जमात खाना जुमपुरा में जमीयत उलमा ए हिंद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जनाब हाजी हारून साहब की सदारत में जिला सीहोर तहसील आष्टा और शहर आष्टा जमीयत उलमा कमेटी का इंतिखाब चुनाव सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जमीयत उलमा ए हिंद जिला सीहोर के सदर हाफिज शहरियार को पुनः अध्यक्ष, नायब सदर मौलाना यूसुफ साहब, जिला सेक्रेटरी खालिद खान लाला, ब्लॉक सदर मुफ्ती फहीम साहब, नायब सदर मुफ्ती एजाज साहब, जमीयत शहर सदर हाफिज आमिर साहब, मीडिया प्रभारी पत्रकार सादिक खान, शेख फैजान को बनाया गया। इस मौके पर मुफ्ती हमीद साहब हाफिज, मुजफ्फर साहब मौलाना, शमीउद्दीन साहब मौलाना हाफिज साहब के अलावा जमीयत के शहर एवं ग्रामीण सदस्य उपस्थित रहे। जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के सदर जनाब हाजी हारून साहब के आष्टा पहुंचने पर जुम्मापुरा जमात खाने में जमीयत के जिला अध्यक्ष हाफिज शहरियार के नेतृत्व में मेंबरों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। हाजी हारून साहब ने आज सीहोर जिला जमीयत की एक महत्वपूर्ण चुनावी बैठक की सदारत करते हुए अपने उद्बोधन में जमीयत द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर विस्तार से रोशनी डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रथम लॉकडाउन के समय से जमीयत के साथी गरीबों जरूरतमंदों की लगातार हर तरह से बिना भेदभाव के खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने समाज में सभी को साथ लेकर लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की अपील की। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों को दीनी और दुनियावी तालीम देना जरूरी है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। सभी शिक्षा हासिल करें। कुरान में उदाहरण के लिए लिखा है कि चाहे शिक्षा के लिए चीन जाना पड़े। सद जिला जमीयत कमेटी के चुनाव के लिए उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत राय से किए गए कार्यक्रम में विशेष अतिथि जनाब मिर्जा बशीर बेग साहब, नायब सदर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद तहसील जावर सदर मौलाना रिजवान साहब, खड़ीहाट नायब सदर जाहिद मिर्जा, कारी जाहिद साहब डोडी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सुल्तान मंसूरी, मुंडला जनरल सेक्रेटरी सलीम भाई ग्वाला, खजांची मौलाना महबूब साहब महतवाड़ा, खजांची हाफिज वकील एवं अन्य सदस्यों की कमेटी गठित की गई। विशेष अतिथियों में हजरत मुफ्ती हमीद साहब मौलाना यूसुफ साहब, कारी आमिर साहब, शेख मुबारक उद्दीन जाहिद गुड्डू एवं क्षेत्र के उलमा व नागरिकगण आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय न्यूज के लिए खालिद खान की रिपोर्ट। करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, और ये भी एक इल्म हासिल करो घर से चीन जाना पड़े तो क्या आज हमारे मुल्क से जो पड़ोसी है चीन तब भी वो दूर लगता, तो अल्लाह के नबी मदीने मुनव्वरा में ये फरमान है कि इल्म हासिल करो घर से चीन जाना पड़े। केंद्रीय सरकार से भैया आप कानून बनाइए, आप बनाइए, आप मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अलग कानून और गोवा के लिए अलग कानून, ये समझ लीजिए जो मैंने कहा। गोवा में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गाय कटती है भैया, वहां पे पाबंदी करी है, यहाँ पे पाबंदी करी, आप सारे लोग करेंगे, और जो लोग बूढ़ी गाय को दूध निकालने के बाद जब बूढ़ी हो जाती है तो छोड़ देते हैं तो सजा उन पर भी होना चाहिए, सजाए बहुत उनको होना चाहिए जो बेचारे कुछ और करते, ये मेरा मुताबा अखबार में आना चाहिए। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ कमेंट किए हैं, ठीक है हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बनाइए। मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इससे बहुत दूर हो जाइए, अल्लाह ने बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत दूर हो जाइए, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाइए, बेचारे कोई भी फर्क जाता है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।